और इन सबके बीच एक बड़ी खबर जो अयोध्या से मिल रही है वो आपको बता दें, अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेंगे। यहां पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। आपको बताएं उत्तर प्रदेश के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, उसमें से एक अयोध्या एयरपोर्ट भी है। शुरुआत में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के तौर पर इसकी शुरुआत होनी है और 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए। 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे, उनका वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन उसके पहले अयोध्या पूरी तरह से तैयार रहे, वहां पहुंचने वाले लोगों के लिए इसकी हर तैयारी की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप 25 दिसंबर को अयोध्या में पाएंगे, जहां वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए खुद पहुंचेंगे। इसके पहले हमने देखा है कि कैसे नागरिक उड्डयन मंत्री वहां पर पहुंचकर निरीक्षण कर चुके हैं, कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचकर एयरपोर्ट का निरीक्षण कर चुके हैं और अब सिर्फ उद्घाटन बचा रह गया है। मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त जुड़े हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। अमिताभ, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, दर्शन से ज्यादा राम, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री जरूर मौजूद होंगे 22 जनवरी को, लेकिन अयोध्या आकर उन्होंने अगर अयोध्या में एयरपोर्ट का जो उद्घाटन है उसको समर्पित करेंगे राष्ट्र को, जिसकी तैयारियां काफी दिनों से चल रही थी, उसके लिए पूरी तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है। और खास बात यह है कि 25 दिसंबर का दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी होता है। उस दिन पूरी की पूरी बीजेपी और बीजेपी शासित राज्य उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक संदेश अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन से भी होगा और एक संदेश अयोध्या में उन पर्यटकों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए जो दूर दूर से आना चाहते हैं उनके लिए हवाई अड्डे का उद्घाटन देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। और आपको सीधा लिए चलेंगे भोपाल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है।